के मैनपुरी के एक गांव की रहने वाली 3 सगी बहनें अपने घर से अचानक रात को लापता हो गई। सुबह जानकारी होने के बाद उनके परिजन परेशान हो गए। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस किशोरियों की तलाश में जुट गई। हालांकि अभी तक तीनों का सुराग नहीं लगा है। पूरी घटना मैनपुरी के थाना दन्नाहार क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की 3 पुत्रियां रात को घर से बरामदे में सोई थीं। सुबह तड़के जब परिजन जागे तो दरवाजे खुले हुए थे, तीनों लड़कियां वहां से गायब थीं। तीनों की उम्र 17 वर्ष, 12 वर्ष व 10 वर्ष है। तीनों बहनों के गायब होने के बाद घर में कोहराम मच गया। सूचना मिलने के बाद थाना अध्यक्ष विनोद कुमार भी मौके पर जांच करने पहुंचे। हालांकि घर में मिली एक कॉपी में लिखा हुआ था कि वे पढ़ाई की वजह से जा रहे हैं, यूपी में रहकर ही पढ़ाई करेंगे, अपनी मां को भी साथ ले जाएंगी। बच्चियों के गायब हो जाने के बाद माता पिता व अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि ये भी जानकारी मिली है कि माता पिता के बीच चल रहा घरेलू विवाद इस घटना का कारण बताया जा रहा है। मैनपुरी के दन्नाहार थाने में महटोली गांव से 3 बच्चियां गायब हुई। कल उनके द्वारा एक लिख करके भी छोड़ा गया कि वो पढ़ने के लिए बाहर जा रही हैं, यहां पे नहीं रहेंगी। इस संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दिया गया और साथ ही आज इन लड़कियों की दिल्ली में होने की जानकारी मिली है, जहां पुलिस टीम भेजी गई है और शीघ्र ही इनकी बरामदगी की जाएगी, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वास्तव में पढ़ने के लिए क्या होती मामला? अब ये जब लड़कियां आ जाएंगी तो उनसे पूछताछ के बाद से जानकारी हो जाएगी कि वास्तव में क्यों गई थी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।